कैश हम आज डिस्कस कर रहे सेकंड चैप्टर फॉर बिजनेस एनालिसिस एनालिसिस सर थोड़ा खाली लिया एनालिसिस। सो जब भी हम एनालिसिस के लिए जाएंगे गाइस, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आने को ना, आपके दिमाग में आने को ना बी, क्योंकि कुछ आपने सिलेबस में भी क्या है बी में, सो दैट्स व्हाई आपके दिमाग में भी सिर्फ सिर्फ बी में आने को। ओके, तो इट इज सिंपल, सो सिंपल कि आप जब सिंपली सपोर्टेड बीइंग और एक सिंपल बीम देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये पार्ट कॉम्प्रेशन में है, ये पार्ट टेंशन में है, इस तरह आपको लगता है। लेकिन जब हम वही बीम मेरा रिस्ट्रेस के लिए देखते हैं, रिस्ट्रेस के लिए देखते हैं, तो ऑल पार्ट इज इट इन कॉम्प्रेशन। तो अभी कॉम्प्रेशन में कैसी रहेगा, कॉम्प्रेशन में कैसी रहेगा? तो यहां पे सपोज मैंने स्टील प्रोवाइड कर दिया, आप बोलेंगे सर आपने टेंशन जोन में ही तो स्टील प्रोवाइड कर दिया, तो ये टेंशन जोन नहीं हुआ क्या? यस एग्जैक्टली, ये टेंशन जोन ही था, लेकिन जो भी मेरा रेनफोर्समेंट है, मेरा रेनफोर्समेंट क्या दे रहे वहां पे, कॉम्प्रेस दे रहे, क्योंकि उसमें जो भी मैंने स्ट्रेस इंड्यूस किया, दैट स्ट्रेस इट इज कॉम्प्रेस स्ट्रेस, कंप्रेस स्ट्रेस मैंने इंड्यूस किया, तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये पूरा पार्ट आपका कंप्रेशन में हो रहा, पूरा पार्ट आपका क्या हो रहा, कंप्रेशन में हो रहा विद द एसेंट्रिसिटी ऑफ ई, विद द एसेंट्रिसिटी ऑफ ई। ओके, सो देखो गाइस, सबसे पहले अभी ई एसेंट्रिसिटी है और पी कहां पे लग रहा है, यहां पे पी लग रहा है। ओके, यहां पे पी लग रहा है। तो अभी दो चीज रह सकते, क्या दो चीज रह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप बॉटम में ही यानी ये लगाऊंगे क्या, क्या बोलते हैं आपका, स्टील लगाऊंगे क्या? यस एग्जैक्टली, मैं अभी फिलहाल तो भी बॉटम में ही प्रीस्ट्रेस स्टील लगाऊंगा। प्रीस्ट्रेस क्या कर रहा, क्या पहले से उसको इलॉन्ग करके रख रहे, इलॉन्ग करके रख रहे हैं, प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस यानी ही क्या है, पहले स्ट्रेस दे रहे, क्या दे रहे, पहले स्ट्रेस दे रहे, देन स्ट्रेस अप्लाई हो रहा आपके बॉडी। ओके, पहले ही स्ट्रेस दे रहे उसको, देन स्ट्रेस अप्लाई हो रहा आपके बॉडी में, तो वो क्या होगा कि पहले से जब हम स्ट्रेस देंगे यानी उसमें उसको खींचेंगे, कोई भी चीज को हम खींचेंगे और बाद में छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो बॉडी को क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा, बॉडी को क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा। वो सेम है यहाँ, पोस्ट टेंशनिंग एंड प्री टेंशनिंग, ऐसे दो मेथड्स हैं, वो लास्ट वाले वीडियो में आपको दिखेगा। ओके, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। सो पोस्ट टेंशनिंग प्री टेंशनिंग दोनों का एम क्या है, एम ये है कि बीम को स्ट्रेस रखना है, यानी क्या रखना है, टेंशन में नहीं जाना है उसको, ऑल यानी नीचे का जो फाइबर है वो कहने रखना है, कंप्रेशन है, इट इज प्योरली इन कंप्रेशन, प्योरली इन कंप्रेशन रखना है, यही इसका एम है। ओके, कास्ट करने के पहले जो भी अपने स्टील्स रहेंगे वो पूरे के पूरे स्ट्रेस करके रख देंगे, हम स्ट्रेस करके रख देंगे, स्ट्रेस करके रखने के बाद कास्टिंग हो जाने के बाद उसको कट कर देंगे, कास्टिंग हो जाने के बाद उसको कट कर देंगे, दैट इज प्री टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग में पूरा का पूरा मेरा कॉन्क्रीट अगर बन गया है, बनने के बाद मैं स्टील टेंडन, मेरा पाइप पहले से ही रहेगा, वो टेंडन में मैं क्या करूंगा कि मैं ग्रूविंग से उसको टाइट करते 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 जाऊंगा और उसमें स्ट्रेस प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पे भी क्या होगा, पोस्ट टेंशनिंग में भी अपन क्या कर रहे हैं कि स्टील के ऊपर, ये स्टील ऐसा होता है, ये स्टील के ऊपर अपन स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको खींच रहे, पहले लॉन्ग कर रहे हैं, और वो क्या दे रहा है, फिर मेंबर को कॉम्प्रेशन स्ट्रेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन स्ट्रेस आ रहा, कॉम्प्रेशन स्ट्रेस आ रहा, तो कॉम्प्रेशन स्ट्रेस आने की वजह से होल सेक्शन इट इज इन कॉम्प्रेशन, होल सेक्शन इट इज इन कॉम्प्रेशन।
कंप्रेशन में पूरे का पूरा सेक्शन है, कंप्रेशन में पूरे का पूरा सेक्शन है, तो सबसे पहले दैट पी बाय ए डायरेक्ट टेंशन पी बाय ए दैट इज एन पॉजिटिव, दैट इज एन पॉजिटिव। आप बोलोगे सर अभी आपने पी बाय ए सिर्फ यहां तक ही लिया है, आप ए इन फाइबर तक भी ले सकते हैं। यस एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे ए इन फाइबर तक भी ले सकता हूँ पी बाय ए बाय बिकॉज ऑफ दैट इज इन कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन कॉन्क्रीट लेता है, कॉम्प्रेशन टेक्स अ कॉन्क्रीट। टेंशन कॉन्क्रीट बहुत टेंशन स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की बहुत वीक है इसलिए टेंशन स्ट्रेंथ नहीं लेगा, लेकिन कॉम्प्रेशन की बात आएंगी तो कॉम्प्रेशन की बात आएंगी तो कॉम्प्रेशन कॉन्क्रीट लेता है। तो इसके नीचे का भी पार्ट मैं यहाँ पे लिख सकता पी बाय ए ई बाय ए ऐसे मैं लिख सकता। ओके, तो दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, ये प्रोसेशन। That is direct stress. Okay. So let's story start now. अभी P by A that ये क्या हो गया मेरा direct stress हो गया, direct stress इधर नहीं जाने का direct stress। तो direct stress हो गया, अब direct stress के साथ क्या आएगा bending stress भी आएगा, क्या आएगा bending stress भी आएगा। So what is bending stress? Bending stress is nothing but directly हमने फॉर्म में पढ़ा bending stress, bending equation पढ़ा। What is bending equation? E by R, M by R, F by Y, Egypt running medium volume. May I follow you? Yes exactly. So आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? आपको यहाँ पे यूज करना है M by m by r is equals to m by y, ये आपको यहाँ पे यूज करना है। सो मुझे क्या होना, मुझे होना बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एज कॉम्प्रेशन, बेंडिंग स्ट्रेस एज टेंशन। सो गाइस यहाँ पे टेंशन तो था और गायब कर दिया, किसने गायब किया, गायब कर दिया। तो अभी स्ट्रेस किस तरह आएगा यहाँ पे, यहाँ पर स्ट्रेस हम इस तरह देंगे कि अपर फाइबर स्ट्रेस एंड बॉटम फाइबर स्ट्रेस। क्योंकि क्यों वो अपर फाइबर एंड क्यों बॉटम फाइबर, बिकॉज ऑफ एक अपना एक वायर रहेगा। अभी यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस वाला किस्सा खत्म, किस्सा क्या रहेगा आपका वायर वाला किस्सा रहेगा, यानी दैट वायर वायर एट टॉप एंड वायर एट बॉटम, वायर टॉप वायर बॉटम। सो वायर टॉप एंड वायर बॉटम, y top and y bottom। So अभी stress क्या रहेगा मेरा, यहाँ पे stress क्या रहेगा due to pre-stress, due to pre-stressing force, that pre-stressing force यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका P force act हो रहा है, that P force आपका एक act हो रहा है, compression force act हो रहा है। Okay, आप इस तरह भी बोल सकते हैं and इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं P force क्योंकि compressed का cross-section, लेकिन actually that compression it is in अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडल सेक्शन, तो ये क्रॉस सेक्शन निकाला है मैंने, अलॉन्ग द विड्थ सेक्शन है, अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडल सेक्शन देखेंगे तब आपका पी फोर्स यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, पी फोर्स इस तरह लगेगा, पी फोर्स ओके इस तरह। तो दैट पी फोर्स, तो ये पी फोर्स की वजह से आपका ये कितना यानी स्ट्रेस कितना, तो स्ट्रेस आपका आ रहा पी इंटू ई दैट इज मोमेंट, दैट इज मोमेंट पी इंटू ई दैट इज मोमेंट पी इंटू ई डिवाइड बाय आर इंटू वाई टॉप इंटू वाई टॉप। अब आपने सॉन्ग में फिर से एक चीज पढ़ी, क्या चीज पढ़ी, आई बाय वाई इज इक्वल टू जेड, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द सेंट्रोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द सेंट्रोइड आपका क्या हो जाता है सेक्शन मॉडुलस हो जाता। सो
मैं इसको इस तरह भी लिख सकता अभी, क्या लिख सकता, P इंटू ई डिवाइड बाय जेड टॉप, बड़ी I by y चली जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, I by y चली जाएगा तो सेक्शन मॉडुलस के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, P इंटू ई डिवाइड बाय जेड टॉप, वैसे भी यहां पे लिख सकते हैं P इंटू ई दैट इज मोमेंट डिवाइड बाय जेड वॉट, जेड टॉप जेड बॉटम। तो ये क्या हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स पी। ओके, यानी स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस सर स्क्रीन ब्लर ऑफ है थोड़ी। कन्वर्जेंस। नाउ अभी क्लियर है सर। स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, देखो ये पी इंटू इसेंट्रिसिटी, तो स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, तो कौन सा स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी कौन सा आएगा, मेरा बेंडिंग स्ट्रेस है। ओके, सो ये अभी अभी आपका बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। अभी बेंडिंग स्ट्रेस के लिए पहला केस, केस वन, केस ओनली ड्यू टू रिस्ट्रेस, ओनली ड्यू टू रिस्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस, ऑल इन द कंप्रेशन, कंप्रेशन पॉजिटिव। सो गाइस अभी क्या हो रहा, कंप्रेशन पॉजिटिव है, कंप्रेशन पॉजिटिव, स्ट्रेस टॉप, स्ट्रेस बॉटम। सो फर्स्ट डायरेक्ट स्ट्रेस पी बाय, तो ये दोनों भी कॉम्प्रेशन में ही रहेगा, पी बाय डायरेक्ट स्ट्रेस अगर अपन पकड़ रहे तो दोनों कॉम्प्रेशन में रहेगा। लेकिन लेकिन अभी देखो यहाँ पे जो मोमेंट है मेरा, ये कॉम्प्रेशन दे रहा है, तो ये कॉम्प्रेशन दे रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्रेशन होने के कारण इधर टेंशन आएगा, इस इधर अपन कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, नीचे में हम अगर कॉम्प्रेशन दे रहे हैं, कॉम्प्रेशन स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ऊपर में वो क्या बन जाएगा, मेरा टेंशन स्ट्रेस बन जाएगा। दैट्स व्हाई हियर इज नेगेटिव, हियर इज पॉजिटिव, क्यू क्यू ऐसी चीज, क्यू ऐसी हो रहा, जस्ट लाइक दिस, दस बुक कंप्रेशन ऊपर गया टेंशन आ रहा, नीचे गया कंप्रेशन आ रहा, क्योंकि मैं नीचे कंप्रेशन दे रहा हूँ, नीचे कंप्रेशन दे रहा हूँ। विच कंप्रेशन फोर्स इज प्रोवाइडेड, कंप्रेशन फोर्स प्रोवाइडेड बाय दिस प्रीस्ट्रेस रॉड्स और प्रीस्ट्रेस रेनफोर्समेंट, क्योंकि प्रीस्ट्रेस रेनफोर्समेंट की वजह से ही देख रहे हैं, तो प्रीस्ट्रेस रेनफोर्समेंट की वजह से क्या हो रहा कि ऊपर टेंशन आ रहा है, नीचे कंप्रेशन आ रहा है, ऊपर टेंशन आ रहा है और नीचे कंप्रेशन आ रहा है। That's why we taken is negative upward,
negative for top and positive for bottom. So P into E divided by Z top and bottom. आपको अलग अलग लिखना है तो आप अलग लिख सकते हैं ZT for sigma top, Z bottom for sigma bottom. ऐसे भी लिख सकते हैं आप. अलग अलग लिखना है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो. आपको मैं यहां पर लिखता था whereas and priestess concrete. In precious concrete girder, neutral axis passes through the centroid. Of cross section. Centroid of cross section. Modulus. Section modulus. Z top. I by Y top. Z bottom. I by Y bottom. So, ये neutral axis passes through the centroid of cross section. तो इसीलिए ये न्यूट्रल एक्सिस है आपका and centroid of the cross section. Centroid of the cross section is nothing but what? D by 2, D by 2. It's directly D by 2, D by 2 for that rectangular section. I section, C section इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा. ठीक centroid जैसे अपन ने यहाँ पे निकाला है bending stresses case में हमने निकाला है उसी तरह आपको यहाँ पे भी find करना पड़ेगा. Okay, what is YD? YD and YB. YT it is top, YB it is bottom. Are top and bottom distance from the neutral axis? Okay. So, सबसे पहले priestess, due to only priestess, ये आपको पता चल गया, priestess यानी क्या है, is nothing but a resultant stress. अगर आपको resultant stress पूछा है, सिर्फ और सिर्फ resultant stress पूछा है, तो this is resultant stress. और ऐसे पूछते हैं, तीन conditions हैं, उसमें का पहला condition मैंने बता दिया, resultant stress. अभी क्या हो रहा, अभी story कहाँ पे बढ़ रही? ये सिर्फ और सिर्फ आपने क्या कर दिया, कि आपने member तैयार कर दी, और member तैयार करने के बाद आपने उसमें क्या कर दिया यानी उसमें अभी तक ना उसका डेड लोड पकड़ा है ना उसका लाइट लोड पकड़ा है तो अभी हम उसके डेड लोड पे जाएंगे. अभी मेंबर तो तैयार कर लिया मैंने तो जो उस पे डेड लोड गिर रहा है उसका डेड लोड है खुद का डेड लोड उस पे जो स्टैटिक लोड पड़ रहा है गिर रहा है स्टैटिक लोड इज नथिंग बट अ डेड लोड. ओके स्टैटिक लाइट लोड भी इज नथिंग बट अ वन टाइप ऑफ डेड लोड. ओके स्टैटिक लाइट लोड मूविंग लाइट लोड जो भी रहेगा आपका मूविंग लाइट लोड यानी जब आएगा नहीं आएगा दैट इज लाइट लोड. So, वो लाइन लोड जो रहेगा वो ओरिजिनली लाइन लोड. लाइन लोड में भी दो लाइन लोड रहेंगे एक लाइन लोड रहेगा आपका स्टडी स्टडी लाइन लोड यानी वो वहां पे ही रहे तो स्टडी लाइन लोड इट इज कन्वर्टेड इनटू द डेड लोड. ओके एंड जो भी आपका उस पे लाइन लोड आने वाला है यानी हम कभी आएंगे स्लैब के ऊपर कभी नहीं आएंगे स्लैब के ऊपर तो जो भी आपका रहेगा तो वो लाइन लोड जो है आपको लाइन लोड अलग से यानी उस पर डालना पड़ेगा क्योंकि लाइन लोड कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा कभी ज्यादा लगेगा कभी कम लगेगा तो दैट इज अनसर्टेनिटी. ओके लेकिन डेड लोड इट्स कांस्टेंट सो दैट्स व्हाई सबसे पहले अभी हम देखते हैं उसके डेड लोड.
अब इसका एडिशन तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके नेक्स्ट एडिशन, एडिशन फॉर डेड लोड, डेड लोड के लिए क्या रहेगा? तो डेड लोड के लिए भी मुझे बेंडिंग स्ट्रेस ही देखना है। अगेन आई एम टेकिंग अ बेंडिंग स्ट्रेस। अब जब मैं डेड लोड ऊपर से अप्लाई कर रहा, तो ऊपर क्या लगेगा? कंप्रेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्रेशर नीचे से कंप्रेशन लगाया था, तो नीचे से कंप्रेशन लगाया था, यानी सपोज यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे मैंने पी फोर्स और यहाँ पे मैंने पी फोर्स लगा दिया, तो क्या हो रहा था? नीचे कंप्रेशन हो रहा था। ये सपोज न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये कंप्रेशन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? टेंशन हो गया। देर इज टेंशन, देर इज कंप्रेशन ड्यू टू द स्ट्रेस फोर्स, ड्यू टू दिस स्ट्रेस फोर्स। सिंपल इज दैट। ओके नेक्स्ट, तो ये टाइप क्या के लिए हो गया? स्ट्रेस फोर्स, स्ट्रेस फोर्स बनी ना, नहीं तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस इज पी बाय, तो पी बाय क्या रहेगा कंप्रेशन में, तो ऑल इट इज इन कंप्रेशन। ओके नेक्स्ट, सो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस 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 टू, केस टू इट इज ट्रांसफर कंडीशन। नेक्स्ट नेक्स्ट केस टू इट इज ट्रांसफर, ट्रांसफर कंडीशन दैट इज प्रीस्ट्रेस प्लस डेड लोड। It's nothing but again initial condition. आपको initial condition stress निकालो बोला, transfer condition stress निकालो बोला, तो आपको क्या करना पड़ेगा? Pre-stress plus dead load. So what is dead load now? अभी dead load की वजह से क्या हो? See here. जो भी आपका dead load आएगा, इस तरह का dead load आएगा, इसकी वजह से क्या होगा? Deflection होगा. That deflection is offered. तो ये deflection में यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? Compression, compression आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा आपका? Tension, tension आ रहा है। Due to that dead load. समझे क्या? ऊपर compression, नीचे tension, tension. So, so the diagram is like this. Diagram is like this. Okay, compression guys, here compression, so that's why positive, there is negative tension. Again kya cheez rahegi yahan pe? Moment kaun sa rahega aapka? Dead load moment. Which moment? Dead load moment. So we are taken m suffix d, m suffix d divided by z, qz m by r into y. I by y is nothing but I by y is nothing but z. So z top or m d divided by z bottom, z bottom. अब ये negative है, अब ये कहना है नीचे में negative, ऊपर में positive. ऊपर में positive क्यों? क्योंकि compression ऊपर है, tension नीचे. Okay. So guys, यहाँ पे क्या रहेगा? यहां पर रहेगा सिग्मा टॉप इज इक्वल्स, और यहां पे अलग अलग ही देख लो रहना, लो टेंशन पी बाय ए, वो तो पहले से ही आएगा जैसे कि वैसे, माइनस पी इंटू ई बाय जेड टॉप प्लस एम बी डिवाइड बाय जेड टॉप. आप चाहे तो वन बाय सेट टॉप बाहर निकाल सकते हैं, पी इंटू ई प्लस एम डी डिवाइड बाय सेट टॉप, यानी वन बाय सेट टॉप आप बाहर निकाल सकते हैं. ओके
लेकिन माइनस प्लस का देख लेना, फिर यहाँ पे ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस जेड बॉर्ड। अगेन पी बा ए क्या है आपका, पॉजिटिव है, ये प्लस में है, बॉटम में प्लस में, पी इंटू ई इसेंट्रिसिटी ड्यू टू इसेंट्रिसिटी डिस्टर्बेंस इसेंट्रिसिटी जेड बॉर्ड। माइनस ये माइनस में मोमेंट ड्यू टू डेड लोड डिवाइड बाय जेड बॉर्ड। बट इट गाइस समझा क्या बताऊं, इसमें ज्यादा समझने लायक वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी समझा गया, यानी कोई कोई इशू होगा तो आप पूछ सकते हैं, एनी इश्यूज, इफ यू हैव नो इश्यूज देन इट्स ओके। हेलो ओके नो इशू, सामने आते हैं। अब क्या हो रहा है, अब तीसरी केस आप देख, थर्ड केस हम देख रहे हैं, थर्ड केस ड्यू टू लाइट आउट, ड्यू टू लाइट आउट केस, लाइट आउट की वजह से देख रहे हैं, इरेज करो ना, मैं ये पूरा कर सकता ना। अच्छा यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्ट्रेस ड्यू, यहाँ पे लिख दियो स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। विच लोड, सर्विस स्लैश वर्किंग कंडीशन, दैट इज नथिंग बट प्री स्ट्रेस प्लस डेड लोड प्लस लाइन ऑफ प्लस लॉसेस। तो यहां पे लॉसेस भी आ गए, यहां पे क्या आ गए, लॉसेस भी आ गए। अब लाइन लोड की वजह से भी क्या आ गया, सेम डेड लोड लाइन लाइन लोड की वजह से कंप्रेशन ऊपर टेंशन नीचे आएगा, क्योंकि लाइन लोड भी ऊपर से ही लगेगा आपका, इसीलिए यहां पे भी सेम डायग्राम बनेगी। M light divided by Z top, M light load, moment due to light load divided by Z bottom, ये कैसे क्या रहेगा आपका, स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल light load। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉसेस ले रहेगा, तो लॉसेस आपके इसमें रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, ये परसेंटेज लॉस होता है आपकी में, परसेंटेज लॉस होता है 20% 30% नॉट 30%, इट्स नियर अबाउट 10 to 20%, सो 10 to 20% लॉस होता है, तो आपका एफिशिएंसी में उसको देखे जाने, एफिशिएंसी में देखे जाएगा कि 80% एफिशिएंसी मिल रही है आपको, सर 85 मिल रही, 90 मिल रही, तो ये आपको देखे रहेगा। So, आपको इफिशियंसी क्या में लेना पड़ेगा, प्री स्ट्रेस पर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लीपिंग लॉस, ये लॉस वो लॉस यहाँ पे रहेगा, कौन से इस पर रहेगा, पी बाय ए एंड पी इंटू ई बाय जेड बॉटम, पी बाय ए पी इंटू ई बाय जेड टॉप, उसमें आपको
लेना पड़ेगा, एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो कैसी होगा देखते हैं, यहां पे भी स्ट्रेस एक्ट ऑफ। सो गाइस पहले यहां पे आएगी एफिशिएंसी P by A, what is of course I, it is negative, it is negative, P by A to positive hai. Again efficiency into P into E divided by Z top, aur ye jaisi ki waisi ki upar positive पॉजिटिव। अब यहां पर मैं क्या बन सकता है, एम डी प्लस एम एल, अगर मैंने कॉमन लिख ही दिया यहां पर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, एम एल डिवाइड बाय जेड बॉटम, सॉरी जेड टॉप, नेगेटिव नहीं सकता, या फिर आप अलग अलग भी लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू एक ही आएगी यहां पे और यहां पे, यानी क्रिस्टल्स के लिए मुझे क्या देना, एफिशिएंसी में। मोमेंट डेड लोड मोमेंट प्लस लाइव लोड मोमेंट डिवाइड बाय जेड बॉटम, क्यों, क्योंकि जेड बॉटम के लिए दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके गाइस सो ये आपका फाइनल हो गया, ये आपका फाइनल हो गया। तो यहाँ पे एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कैसे रहे, एफिशिएंसी फैक्टर दैट इज नथिंग मोर, efficiency factor, yani if it is 20% losses diye gaya hai aapko, so aapki efficiency kya ho rahi, fir 100 minus 20% is nothing but 80%, yani 0.8 value we put here, it is 0.8. so guys तो ये आपका एनालिसिस का पार्ट है, हाँ खत्म होता है, आगे क्या होता है, खत्म होता है, ये यहाँ तक ही था। तो आप लिखो इसके सामने 1.1 नोट इज ये, अच्छे क्लास आएगा, अच्छे क्लास कितने बस है, हाँ दोस्त होता है, साल लगे हो चल, हाँ करा जा रोज तो चला जाना, नंतर भी तुम हो गया ठीक है, बात करने से गाइस इसको हम डायरेक्टली अभी सर्वे स्टार्ट करते हैं विद इन द 5 मिनट्स।